भाटिया अपनी आने वाली फिल्म बाहुबली 2 के लिए काफी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि पार्ट 1 से ज्यादा खुशी उन्हें पार्ट 2 के आने की है। जब से फिल्म आंखें का सीक्वल बनाने का फैसला लिया गया है, तब से आंखें फेम सुष्मिता सेन काफी एक्साइटेड है। सुष्मिता का मानना है कि मराठी स्क्रिप्ट पर बनने वाली ये फिल्म काफी हिट होगी। अक्षय की फिल्म रुस्तम 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने करीब 9 दिनों में 101 करोड़ से अधिक का कारोबार किया और इसी के साथ ये फिल्म अक्षय की सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। गोलमाल सीरीज की 2 फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस करीना कपूर खान इस फिल्म की 4th मूवी में महज एक स्पेशल सॉन्ग में नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू होगी और दिवाली में ये फिल्म रिलीज होगी। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि फिल्म प्रीति अली की स्क्रिप्टिंग के दौरान सलमान को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वे भी इसका हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उनकी पॉपुलर इमेज के चलते फिल्म प्रीति अली में कोई रोल नहीं मिल सका। सुपरस्टार शाहरुख खान ने ट्विटर के जरिए 1998 में आई फिल्म दिल से के 18 वर्ष पूरे होने पर फिल्म की यूनिट का शुक्रिया अदा किया। फिल्म का डायरेक्शन मणिरत्नम ने किया था और यह एक लव बेस्ड मूवी थी जो आतंकवाद पर बनाई गई थी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर फैंस की तादाद 2 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ ही वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंडियन एक्टर भी बने हुए हैं। सावधान इंडिया के सेट पर फिल्म अकीरा का प्रमोशन करने पहुंची एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अब स्पोर्ट बेस्ड मूवीज करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। उनकी आने वाली फिल्म अकीरा में ये मार धाड़ करती भी दिखाई देंगी। एक्ट्रेस और सिंगर सोफी चौधरी ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। सोफी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिससे ये खबर उनके दोस्तों और फैंस तक पहुंची। सिंगर जस्टिन टिम्बरले का कहना है कि उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर से हुए ब्रेकअप के बाद 2002 में क्राइमिया रिवर सॉन्ग गाया था।